हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पैटर्न मैचिंग ग्राफ और पैटर्न मैचिंग टेबल के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें देखिए मैंने आपको टेबल दिया हुआ था और उस टेबल से पैटर्न मैचिंग ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ था। तो उसमें टेबल कैसे बनाते हैं ये तो हमने आपको बता दिया था, उससे ग्राफ कैसे बनाते हैं वो जो है क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाता तो उस वजह से रह गया था। अभी हम क्या करते हैं, हम पैटर्न मैचिंग टेबल बना लेते हैं फटाक से और ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। या आप पिछले वीडियो से आप रिफर कर लीजिए, उसमें आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो पैटर्न मैचिंग ग्राफ, तो आपको पिछले वीडियो से वो फिगर्स जो है रिफर करनी पड़ेगी। उसमें आप देखिए कि, या एक काम करते हैं, हम इसको जो है यहाँ पे बना ही लेते हैं, क्योंकि बार बार वो पिछले वीडियो करने में वो रह जाएगा। इसको हम लोग फटाक से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि टाइम भी ना वेस्ट हो, अपना काम भी हो जाए। ठीक है, ये किया हमने। यहाँ पे जो चार स्टेट्स थी, Q0, Q1, Q2 और Q3, और यहाँ पे जो इनपुट करेक्टर्स थे ए बी और एक्स, जो एनी करेक्टर था। फिर यहाँ पे आपका Q1 स्टेट था, फिर Q0 था, Q0 था, सिमिलरली फिर Q2, फिर Q0 था, फिर यहाँ पे Q2, Q3, Q0 था और P, Q0 और Q0। ये टेबल थी, पैटर्न मैचिंग टेबल। अब इसका जो ग्राफ बनाते हैं तो सिंपली देखिए पहले कैसे बनाते हैं वो आप देख लिए, कि इसका जो लेबल ग्राफ आप बनाएंगे वो कैसे बनेगा। वो आपका इस तरह बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चार नोड लेते हैं। तो ये हो गया आपका Q0, Q1, Q2, Q3 और ये फाइनली हमारा जो पैटर्न है P। ठीक, तो इसको हमने मार्क किया Q0, Q1, Q2, Q3। अब टेबल्स के हिसाब से पहले हम एंट्री कर देते हैं आपको, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं आप। ये हो गया ए पैटर्न, क्योंकि हमारा ए ए बी ए है, तो ए ए, ये आ गया आपका बी और ए। ठीक है, उसके बाद Q1 पे हम बी देते हैं तो वापस Q0 पे, तो Q1 पे आप बी देंगे तो वापस Q0 पे हो गए, Q0 पे आप बी देंगे तो वापस Q0 पे, तो इसको आप कर दीजिए बी। ठीक है, ये यहाँ पे आप बी देंगे वापस Q0 पे, उसके बाद Q2 पे आप A देंगे तो वापस Q2 पे, ये हो गया वापस Q2 पे, और Q3 पे आप B देंगे तो आप डायरेक्ट पहुंचेंगे Q0 पे। तो आपने यहां से लिया Q3, इस पे अगर आप B दे रहे हैं तो आप वापस Q0 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये आ गया था पैटर्न मैचिंग टेबल, और ये आया आपका पैटर्न मैचिंग ग्राफ। अब इस ग्राफ को कैसे बनाया गया, टेबल कैसे बनाई गई है, ठीक है, वो तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, इसमें आपको मालूम है कि कोई टेक्स्ट टी है, उसमें पैटर्न हमें क्या सर्च करना है, ए ए बी ए। ठीक, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है कि जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि द ग्राफ इज ऑब्टेन्ड कैसे, कि फर्स्ट देयर इज ए नोड इन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ईच इनिशियल सबस्ट्रिंग क्यू आई ऑफ पी। तो पी की जो भी इनिशियल सबस्ट्रिंग है, ए ए ए, फिर ए ए बी और ए ए बी ए, तो ये जो भी सबस्ट्रिंग्स हैं उसका पहले आपने क्या किया, ग्राफ में उन सबके करस्पॉन्डिंग आपने जो है एक नोड ले लिया। ठीक है, तो ये देखिए आपने ग्राफ में ये Q0, Q1, Q2, Q3, और ये तो खैर पैटर्न पैटर्न आ ही गया आपका, ये आपने नोड ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, द क्यूज आर कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम एंड Q0 इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट। तो ये जो Q1, Q2, Q3 है, ये सब स्टेट्स हो गए और Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट हो गया। अब उसके बाद देयर इज एन एरो ए डायरेक्टर डायरेक्टेड एज इन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री इन द टेबल। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप हर एक एंट्री को दीजिए, Q0
Q0 पे अगर आप A दे रहे हैं तो Q1 पे पहुंच जा रहा है। देखिए Q0 पे हमने A दिया, Q1 पे पहुंच गए। Q0 पे हम B दे रहे हैं, Q0 पे ही रह रहा है, तो Q0 पे हमने B दिया, Q0 पे ही रह गए। इसके अलावा और x क्या है, x इज एनी करेक्टर एक्सेप्ट ए एंड बी, और कोई भी करेक्टर आप देंगे तो वो हमने इसलिए मेंशन यहाँ दिखाया नहीं कि उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे दिखाने की, ठीक। सिमिलरली Q1 पे आप ए देंगे तो Q2 पे, तो Q1 पे आपने ए दिया, Q2 पे पहुंच गए। Q1 पे आपने बी दिया तो वापस Q0 पे, तो Q1 पे आपने बी दिया तो वापस Q0 पे, ठीक। तो हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर नोटेशनल कन्वीनियंस वी हैव ओमिटेड ऑल एरोज लेबल्ड एक्स, एक्स वाले जितने एरो थे वो हमने हटा दिए यहाँ से, विच मस्ट लीड टू द इनिशियल स्टेट Q0, क्योंकि एक्स वाले जितने भी एरो हैं वो कहाँ पे लीड करेंगे, X0 आपके Q0 इनिशियल, ये हमने बताया ना कि ये क्या है इनिशियल स्टेट और बाकी सब स्टेट है। तो एक्स वाले अगर आप दिखाएंगे भी तो वो लौट के Q0 पर ही पहुंचाएगा, तो वो उतना ड्रॉ करने से अच्छा उसको ओमिट ही कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास जो पैटर्न है सेकंड मैचिंग एल्गोरिथम के हिसाब से हम करें ए ए बी ए, तो इसमें क्या होगा कि लेट, हमने कहा लेट टी इक्वल टू T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू TN। दिस डिनोट्स द एन कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्ट विच इज सर्च फॉर द पैटर्न पी बिगनिंग विद द इनिशियल स्टेट Q0 एंड यूजिंग द टेक्स्ट टी वी विल ऑब्टेन ए सिक्वेंस ऑफ स्टेट्स S1 S2 S3 एंड एज फॉलोज। वी लेट S1 इक्वल टू Q0 एंड वी रीड द फर्स्ट कैरेक्टर T1 फ्रॉम आइदर द टेबल और द ग्राफ। द पेयर S1 T1 यील्ड्स ए सेकेंड स्टेट S2, ठीक है, चाहे आप टेबल से जाइए चाहे आप ग्राफ से जाइए, सेकेंड स्टेट S2 में आप पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ S1 T1 वो कहाँ पहुंचाएगा आपको, S2 पे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेक्टर रीड करेंगे T2, जब T2 आप रीड करेंगे तो फिर पेयर ऑफ S2 T2 यील्ड से स्टेट S3। तो जब S2 T2 आप यहाँ रीड करेंगे वो फिर आपको नेक्स्ट स्टेट पहुंचाएगा S3 पे, और इसी तरह ये एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली क्या है पॉसिबिलिटी कि सम स्टेट, इसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि फॉर सम स्टेट कोई सा भी, अब हमें नहीं मालूम तो हमने एस के लिख दिया, एस के इज इक्वल टू पी, मतलब जो पैटर्न हम ढूंढ रहे थे, द डिजायर्ड पैटर्न, द डिजायर्ड पैटर्न ये हमको मिल जाएगा। इन दिस केस पी डज अपियर इन टी एंड इट्स इंडेक्स इज, इस केस में क्या होगा कि इसका मतलब पी जो है टेक्स्ट टी में अवेलेबल है और उसका जो इंडेक्स आएगा उसका इंडेक्स आ जाएगा के माइनस लेंथ ऑफ पी, ये इसका इंडेक्स हमें पता चल जाएगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नो स्टेट S1 S2 अप टू SN+1 इज इक्वल टू पी, इन दिस केस पी डज नॉट अपियर इन टी। दूसरा केस ये है कि पी जो है टी के अंदर हमें मिले ही ना, क्लियर। अब इसके बाद इसी चीज को हम अपने एल्गोरिथम में, वी कैन स्टेट द एल्गोरिथम विद टू डिफरेंट टेक्स्ट यूजिंग द पैटर्न पी इक्वल टू ए ए बी ए, ठीक है। तो इस तरह से आप दो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल ये जो हमने आपको समझाया है इस पे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो देखिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लिया हमने कि सपोज टी इक्वल टू क्या दिया है, ए ए बी सी ए बी ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि बिगनिंग विथ Q0 वी यूज द कैरेक्टर ऑफ टी एंड द ग्राफ और टेबल जो हमने आपको बता चुके हैं,
टू ऑब्टेन द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ स्टेट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आप क्यू जीरो से शुरू कीजिए, ठीक, ये आपने शुरू किया क्यू जीरो से, पहला कैरेक्टर ये लीजिए ए। तो अब आप टेबल में देखिए चाहे ग्राफ में देखिए कि क्यू जीरो पे जब आप ए दे रहे हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं, क्यू वन पे, ठीक। तो आप यहाँ पे क्यू जीरो पे जब आप ए देंगे तो क्या हो जाएगा, आप क्यू वन पे पहुंच जाएंगे। तो आपने ये लिख दिया क्यू वन, यहाँ हमने लिख दिया ए को पिक किया, फिर उसके बाद अगला कैरेक्टर क्या है, फिर ए है। तो क्यू वन पे फिर आप जब पिक करेंगे ए को तो कहाँ पहुंचेंगे आप, आप देखिए टेबल से क्यू टू पे पहुंच जाएंगे। फिर अब ए के बाद बी, अब क्यू टू पे जब आप पिक करेंगे किसको, बी को, तो टेबल में आप देखिए Q2 पे अगर आप B दे रहे हैं, Q2 पे आप B दे रहे हैं तो कहाँ चले जा रहे हैं, Q3 पे, तो आप अब आ जाएंगे Q3 पे, ये आप आ गए Q3 पे। अब Q3 के बाद C पिक करना है, तो आपने क्या किया, C लिया। तो जब Q3 पे आप C लेंगे यानी C आ गया आपका, ना A है ना B है एनी अदर करेक्टर में, तो आप फिर वापस पहुंचेंगे इनिशियल स्टेट पे। फिर इसके बाद यहां तक हो गया, फिर जब आप ए पिक करेंगे ये वाला, तो फिर Q0 पे आप ए पिक करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, Q1 पे, फिर ए के बाद बी, फिर जब आप बी पिक करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, Q0 पे, जो नेक्स्ट स्टेट है वो टेबल से पैटर्न मैचिंग टेबल में देखिए या ग्राफ में देखिए आप करते जाएंगे इसको। तो सी, ये आप फिर से क्यू जीरो पे पहुंच गए, और क्यू जीरो पे फिर लास्ट क्या बचा, ए। जब क्यू जीरो पे आप ए देंगे तो फिर आप कहाँ पहुंचेंगे, क्यू वन पे, यानी आप पी पे पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब कि इसका फाइनल आंसर क्या आ गया कि वी डिड नॉट ऑब्टेन the state P, so P does not appear in T, उस टेक्स्ट में पैटर्न है नहीं, है ही नहीं, क्लियर। अब मान लीजिए दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल वन हो गया, अब सपोज कीजिए हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, टी दिया है, ए बी सी, ए बी सी, ए ए बी ए, ए ए बी ए और सी ए, ठीक। अब जैसे अभी हम लोगों ने किया था वैसे ही आप करिए, तो जैसे आपने मान लीजिए क्यू जीरो से स्टार्ट लिया, उस पर आपने ये पहला ए पिक किया, तो आप पहला ए पिक करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, Q1 पे, फिर Q1 पे आपको क्या पिक किया आपने, B, तो आप पहुँचेंगे Q0 पे, फिर Q0 पे आपने क्या लिया, C, तो जब आप C लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, Q0 पे, फिर Q0 पे आपने A लिया, फिर आप पहुंच गए Q1 पे, फिर Q1 पे यहां तक हो गया, फिर आपने A लिया, तो Q1 पे A लेंगे तो Q2 पे पहुंच गए, और Q2 पे फिर आपने B लिया, तो Q2 पे जब आप B लेंगे तो कहां पहुंचेंगे, Q3 पे, सही, और Q3 पे फिर आपने क्या लिया, फिर A लिया, तो जो Q3 पे आप A लेंगे तो आप टेबल में देखिए Q3 पे A लेने पे आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये देखिए Q3 पे आपने A लिया, P पे पहुंच गए, तो Q3 पे A लेने पे आप P में पहुंच गए, इसका मतलब कि पैटर्न अवेलेबल है टेक्स्ट में, ये इसका मतलब, वी ऑब्टेन द पैटर्न P एज द स्टेट S8, हेंस P डज अपीयर इन T एंड इट्स ए Its index is 8 minus length P. तो इसका मतलब क्या हुआ कि
P does appear in T and state is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is S8. और इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका? इंडेक्स आ जाएगा S8, मतलब 8, ये 8 हुआ माइनस लेंथ ऑफ P क्या है? 4, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन पैटर्न फॉर विच वी आर सर्चिंग इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट और नॉट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।